ठीक है भाई। ल सामने में हेर्नु ल। के बनाना के छ? लाल लाल बनाना है। ठीक है, ये बनाना के छ? के छ? सिक्किम से कन्याकुमारी जा रहा हूँ। अच्छा भैया, वैसे कितना कितना वो सिक्किम से? अभी तो मेरे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमें वेलोर से कन्याकुमारी के लिए निकलने वाला हूँ। ठीक है, आज और कल 6 तारीख को मैं मदुरई पहुँच जाऊँगा और लगभग 9 तारीख 10 तारीख को मैं कन्याकुमारी पहुँच जाऊँगा। अब से लेकर सिर्फ 4 दिन 5 दिन का ही मेरा जर्नी है। ठीक है, तो अभी तक तो कुछ भी मतलब प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा। अभी सिर्फ 5 दिन ही आराम आराम से पहुँच के फिर हम घर लौट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अंकल आंटी हॉस्पिटल जाने के लिए, आज आंटी नहीं जा रही हॉस्पिटल, फिर रूम में ही रेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो घर ही था। ठीक है, तो यहाँ से अब 4-5 दिन, सिर्फ 4-5 दिन ही फिर हम घर पहुँच जाएंगे। ठीक है, साइकिल मिलेगा? साइकिल मिलेगा? तो देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉज, ठीक है, गेस्ट हाउस बोल सकते हैं, ये गेस्ट हाउस है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बसंत, बसंतम अपार्टमेंट, बसंतम अपार्टमेंट, यहाँ पर गेस्ट हाउस है। जो भी वेलोर में ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं यहाँ पर रूम मिल जाता है 350 में, 2 एडल्ट्स के लिए 350 पर नाइट, 24 आवर्स के लिए रूम मिल जाता है। देख सकते हो मेरा साइकिल अंदर रखा था सेफ्टी में, तो साइकिल आ चुका है। अभी फिर पैकिंग सैकिंग करेंगे। ठीक है, हाँ धन्यवाद। देख सकते हो साइकिल पैकिंग हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो बसंतम अपार्टमेंट, जो CMC के वॉकिंग डिस्टेंस में है, और उसके मैनेजर जो है यहाँ पर है। हेलो बोलो। तो देर हो गया था? अरे याद ही नहीं है। तो यहाँ से ठीक है निकलते, अब सीधे सिक्किम में जाकर मिलेंगे। अब सीधे सामने गएर भेट्ने भने अनि तर हामी चाहिँ निस्केको ल, अब निकल रहे। ठीक है, तो बाई बाई। ठीक है, ठीक है, सामने में हेर्नु ल। आन्टीको ज्यादा बताओ। दोस्त है? हेलो, काउन्सलर है इधर का। ओके ओके, और दोस्त थोड़ा ये कर लो, ये DMK का इधर का सेक्रेटरी है। जनरल तपति, जनरल तपति, जनरल तपति। हां, इधर लंदन कन्या बोल पा। अच्छा, सुपर। ना ना दुकान। ओके, बाय बाय। ठीक है, जान गए ल, निस्केला आन्टी, फोन गर्छु म। ओके, बाय 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 बाय। तो फिर गाइस हम वहाँ से निकल चुके हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही प्यारे लोग थे वो वहाँ के अपार्टमेंट के भी। ठीक है, अब हुन्छ हुन्छ। तो फिर गाइस ठीक है, ऐसा ही रहा। ठीक है, हम निकल रहे हैं वहाँ से, तो कोई बात नहीं। अब हम जा रहे हैं कन्याकुमारी की तरफ। यहाँ से तो लगभग 4-5 दिन में हम कन्याकुमारी भी पहुँच जाएंगे। तो ऐसा ही रहा आज का दिन भी। हम फिर निकल चुके हैं अपने गंतव्य की तरफ। ठीक है गाइस, आगे चक्कर मिलेंगे, बाय बाय। तो फिर गाइस अभी है हम वेलोर के भीड़ भाड़ वाली जगह में। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है, तो अभी 15-20 मिनट में हम ये भीड़ भाड़ वाली जगह भी क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, उतना ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, ठीक है ठीक है, दो तीन क्लिप ही बनाएंगे। ठीक है, बीच में जो भी अच्छा होगा वो दिखाएंगे और चले जाएंगे। ठीक है गाइस, कन्याकुमारी? हाँ, सिक्किम से कन्याकुमारी जा रहा हूँ। अच्छा भैया, वैसे कितना कितना डेज वो सिक्किम से? अभी तक 24 डेज हुआ वो सिक्किम से। सिक्किम से यहाँ तक ऐसे वेल्लोर में, वेल्लोर से अभी कन्याकुमारी में जाएगा। कन्याकुमारी लगभग 5 दिन लगेगा, और 4-5 दिन, 600 किलोमीटर है, 600, 5 दिन तक लगेगा। तो खाना
खाना होटल से सोना पेट्रोल पंप में तो यहाँ पर नहीं, वेलोर सीएमसी में हमारे उधर के वो आदमी के आदमी थे वहाँ पर दो दिन रुका, रेस्ट किया मुझे। अच्छा अच्छा, थोड़ा बहुत देख रहा हूँ यहाँ पर। उसे सिक्किम से इधर से 24 डेज कितना दूर है सिक्किम से? यहाँ पर होगा आपका वही 2500 किलोमीटर। 2500 हाँ भैया, वो से आसास बगल 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 में ना सिक्किम भूटान से है। सिक्किम बॉर्डर चाइना पड़ता है? हाँ चाइना, भूटान, नेपाल, नेपाल काठमांडू। हाँ नेपाल काठमांडू, नेपाल का राजधानी है काठमांडू, कैपिटल। सिक्किम नजदीक में वेस्ट बंगाल पड़ता है। भैया अच्छा अच्छा भैया, थैंक यू सो मच, ठीक है ना, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय बाय। मुझे कौन देगा वो मुझे मांग रहे, तो अच्छा लगा उन लोग से बातें करके, ठीक है। तो अभी जाएंगे घूमते जाएंगे, ठीक है। तो फिर गाइस मुझे निकला हुआ लगभग 1.5-2 घंटा हुआ है, ठीक है। और आसमान से बारिश का पानी बूंदे टपकने लगा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। सच्ची में बूंदे टपकने वाला लग रहा है, तो देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं, शायद से कल हम पहुँच जाएंगे मदुराई, और उसके बाद फिर पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी। तो ऐसा ही है हमारा, धीरे 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 मतलब डिस्टेंस घट रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे डिस्टेंस घट रहा है मेरा मतलब बेचैनी बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है, एक नया चीज़ देखता हूँ मेरे पास चेंज पैसा है कि नहीं, तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। अभी 2 बज रहा है और यहाँ पर देखिए बनाना कैसा लाल लाल बनाना है, ठीक है। ये बनाना कैसा कैसा 5 रुपया, 2 दीजिए, 2 हाँ। एक दीजिए, एक है ना, दो 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 तो एक बनाना का 15 रुपये, ठीक है। थोड़ा महंगा बनाना है, देखने में भी लाल है, ठीक है। ये देखिए, तो अभी इसको टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है, खाकर देखेंगे कैसा लगता है। देखने में देखो बाहर से कितना रेड है, ठीक है, इतना स्वीट नहीं है हालांकि, ठीक है, लेकिन थोड़ा महंगा है। तो ऐसा बनाना मिलता है साउथ इंडियन में, ठीक है, बहुत ही मोटा है ये देखो। और मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ, देखा हुआ तो देर ही हुआ था, 5-7 दिन हुआ था, ठीक है। तो आज पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा ही है। तो बनाना खाना खाएंगे और तो निकल जाएंगे, ठीक है। ओनली वन मैन, कितना आदमी? ओनली वन, वन मैन non stop, non stop, huh? No, no, night stay, yeah, night stay, nice. अभी यहाँ पर चाय वाय पियेंगे, खाएंगे, ठीक है, और उसके बाद निकल जाएंगे। आज चाय से 5:30 तक ही हम राइड करेंगे, उसके बाद स्टे ले जाएंगे, ठीक है। तो फिर कैसे यहाँ पर मैंने 2-2 कप चाय पिलाया, ठीक है, बिस्किट खिलाया और बादाम खिलाया और फोटो वोटो खिंचाई, अभी मैं निकल रहा हूँ अन्ना, थैंक यू, अच्छा लगा, ठीक है ना। तो फिर कैसे मैं अभी पहुंच चुका हूँ कारुपुर, ठीक है, वेलोर से लेकर कारुपुर लगभग 150 किलोमीटर है और अभी 5:30 होने वाला है, ठीक है। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पम्प है, यहीं पर रेस्ट करूँगा या फिर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पम्प है इंडियन ऑयल का ही, रात को वहाँ पर स्टे करूँगा शायद, ठीक है। तो आज उतना ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे ज़्यादा पेलना है, ठीक है, और कैमरा का ख़राबी की वजह से ज़्यादा लंबा ब्लॉग। जैसा भी हो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है, इन्जॉय कीजिए, मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो कल मदुराई पहुँचेंगे और लगभग हम अभी 4 दिन में कन्याकुमारी पहुँच जाएंगे, ठीक है।
और उसके बाद फिर हम रिटर्न हो जाएंगे, एक दो दिन वहाँ पर घूमेंगे, कन्याकुमारी पहुँच के साइकिल कुरियर करके उसके बाद हम रामेश्वरम जाएंगे बस में, ठीक है। तो ऐसा ही है, ठीक है, शायद से आज का ब्लॉग मैं यहीं पर इन करूँगा, वहाँ पर 20-25 किलोमीटर दूर जाकर फिर वहाँ पर स्टे करूँगा, फिर वहाँ से कल सुबह ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके 4 बजे मैं निकलूँगा शायद से कल सुबह, क्योंकि कल मुझे जैसे भी करके मदुराई क्रॉस करना है, ठीक है। तो ऐसा ही है, दिन भर साइकिल चला, मैंने ज़्यादा ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वही हाईवे है, ठीक है, एक ही हाईवे में चलना है, वैसा ही ट्रक, वैसा ही रास्ता, वैसा ही धूल, वैसा ही मतलब धूप, वही एक चीज़ दिखाते मैं भी बोर हो गया और आप लोग भी बोर हो गए, ठीक है। शायद से कल से थोड़ा बहुत अच्छा आएगा क्योंकि कल से मैं मदुराई पहुँच जाऊँगा, शायद मदुराई भी थोड़ा बहुत क्रॉस भी करूँगा, ठीक है। तो वहाँ से नीचे शायद अच्छा हो सकता है क्योंकि मैं फुल्ली साउथ से, वहाँ से सिर्फ कन्याकुमारी 200-300 किलोमीटर ही रहता है मदुराई से, तो उतना ही है। तो शायद से आज का ब्लॉग इतना ही होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, थका हुआ हूँ मैं, तो मिलती है आपको किसी कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।